بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज बहुत ही खुशी का दिन है। आज मार्च महीने से जो हमारे मस्जिदें और दरगाह बंद थी, आज गवर्नमेंट के गाइडलाइन के तहत खुल गया है और माशाल्लाह यहाँ पर फजर की नमाज़ अदा की गई। बहुत ही जो सरकारी गाइडलाइन गवर्नमेंट ने तय की है उसी के तहत नमाज अदा की गई और बहुत ही खुशी मनाई गई, क्योंकि जो नमाजी जो मुसलमान भाई मार्च महीने से मस्जिद में नहीं आ पा रहे थे, आज अल्लाह का दरवाज़ा, मस्जिदों के दरवाजे और खिड़कियाँ गवर्नमेंट के गाइडलाइन के तहत, कुछ शर्तों के तहत खुल गई है। हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि हज़रत तजम्मुल हुसैन उर्फ पंखे शाह बाबा का मज़ार दिखाई पड़ रहा है जो कि खुल चुका है। और आइए हम आपको वहाँ की दरगाह के अंदर की ज़ियारत करवाते हैं और जानना चाहते हैं कि आज का क्या माहौल है, किस तरह से मुसलमानों के बीच में खुशी है और किस तरह नमाजियों के बीच में जोश है। तो बने रहिए। माशाल्लाह ये पंखे शाह हज़रत तजम्मुल हुसैन, ये पंखे शाह दरगाह है, ये देख सकते हैं ये गेट खुल चुका है और लोगों के बीच में बड़ी ही खुशी मनाई जा रही है। जो नमाजी हैं बहुत ही खुश हैं। ये मस्जिद नमाज के बाद जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसके तहत मस्जिद का दरवाज़ा बंद कर दिया गया है और दरगाह जियारत के लिए खुल चुका है। और जो भी सरकार का महाराज गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसके तहत यहाँ पर जियारत की जाएगी। तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं हज़रत तजम्मुल हुसैन पंखे शाह बाबा का। ये माशाल्लाह दरगाह खुल चुका है, आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, जो बहुत दिनों से मार्च के महीने से सभी लोगों के लिए बंद था। जो हमारे भाई थे, जो बाबा के चाहने वाले थे, बहुत ही बाबा के मज़ार पर अकीदत के फूल चढ़ाने के लिए परेशान थे और तड़प रहे थे। आज अल्लाह ने अपने घर के दरवाजे खोल दिया है, मस्जिद खुल चुकी है और माशाल्लाह गवर्नमेंट के गाइडलाइन के तहत सोशल सामाजिक दूरी बनाते हुए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जियारत भी शुरू हो गई है, जो बहुत दिनों से मार्च के महीने से बंद था। और माशाल्लाह हज़रत तजम्मुल हुसैन पंखे शाह बाबा सभी लोगों के ऊपर करम करें, अपनी दुआएं सभी के ऊपर रखें। माशाल्लाह ये हज़रत तजम्मुल हुसैन पंखे शाह बाबा दरगाह के आप जियारत कर रहे हैं, जो आज ही खुला है महाराष्ट्र सरकार के आदेश पर, कुछ शर्तों के साथ, कुछ गाइडलाइन के साथ। तो आप यहाँ पर देखिए, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी सुनहरे उससे सजावट है, बहुत ही प्यारी नज़ारा है, बहुत ही रूहानी दरगाह है। यहाँ पर बहुत से लोग रोते हुए आते हैं बाबा के मज़ार पर और अकीदत के फूल चढ़ाकर अपनी मन्नतें, अपनी दुआओं को पूरी करते हैं। माशाल्लाह देखिए ये पंखे शाह बाबा दरगाह, ये ताज रखा हुआ है और लोग सामाजिक दूरी बनाकर मज़ार पर आ रहे हैं। आज पहला दिन है, आप पंखे शाह दरगाह पर आकर आप जियारत कर सकते हैं। ये माशाल्लाह हम पंखे शाह बाबा के बारे में, पंखे शाह बाबा दरगाह के बारे में और मज़ार के बारे में पूरी जानकारी आपको बाद में बताएंगे। आज सिर्फ खुशी की बात यह है कि आज से दरगाह खुल चुका है और आप जियारत करने के लिए आ सकते हैं और मस्जिद में नमाजें चालू हो गई है। तो जो नमाजी पहले नहीं आ पा रहे थे नमाज पढ़ने के लिए, आज माशाल्लाह सभी यहां पर लोगों ने आकर नमाज पढ़ी है। देख सकते हैं यहां के हज़रत तजम्मुल हुसैन और पंखे शाह दरगाह के जो ट्रस्टी हैं, उन्होंने पूरा ये जो गाइडलाइन है महाराष्ट्र सरकार की जो गाइडलाइन है उसका पूरा यहां पर
पूरा डिटेल यहाँ पर लिखा हुआ है कि 10 साल से छोटे बच्चे और गर्भवती महिलाओं को और 60 साल के ऊपर के जो बुजुर्ग लोग हैं उनको मस्जिद में और दरगाह में आने की महाराष्ट्र सरकार के कोविड 19 गाइडलाइन के तहत उनको इजाज़त नहीं है। फिलहाल जो अच्छे लोग हैं वही लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने आए और दरगाह पर जियारत करने आए। जिनको थोड़ा भी खांसी बुखार है ऐसे लोग दरगाह पर और मस्जिद में नमाज पढ़ने आने से बचें। आई यहाँ पर कुछ लोग हैं जो बहुत दिनों से नमाज मस्जिद में नहीं पढ़ रहे थे, अपने घरों में पढ़ रहे थे, तो ऐसे में जानते हैं ये हमारे रहमान बाबा हैं, अब्दुल रहमान भाई हैं। रहमान भाई आप ये बताइए कि आज आप कितने दिनों के बाद मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे? आज तकरीबन आठ महीने के बाद नमाज पढ़ने, थोड़ी थोड़ी ऊंची आवाज में, आठ महीने के बाद नमाज पढ़ने आया और बड़ा सुकून मिला, बड़ा अच्छा लगा कि आज आठ महीने के बाद लोगों के लिए, आम लोगों के लिए मस्जिद खोल दी गई है और हम चाहेंगे कि तमाम मुसलमान हुकूमत के आदेश का पालन करते हुए जो है उसको रूल को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग नमाज पढ़ने आए और मस्जिद को आबाद करें। यहाँ पर गुलनाज आपा भी सुबह सुबह दरगाह पर दुआ मांगने आई, आप देख सकते हैं उनके हाथ अभी भी बारगाह में जुड़े हुए हैं, उन्होंने अभी भी हाथ बांधा हुआ है। तो गुलनाज आपा आप क्या कहना चाहेंगे, आपके अकीदत के फूल अभी पेश किए हैं नहीं किए? अल्लाह का बहुत बड़ा करम है जो हमारा खुदा का दरबार खुल गया, इससे बढ़ के हमारे लिए कुछ नहीं है, यही है जो कुछ है हमारा इस्लामी हमारे साथ है और कुछ नहीं, बस बहुत अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया अदा करते हैं हम लोग, जो हम लोग को इतना दिल से खुशी हमारा खुदा का दरबार खुल गया, बस हम लोग को यही मांगता और कुछ नहीं। उसको हमने अभी आपको ये मुंबई के घाट कोपर में हजरत तजम्मुल हुसैन और पंखे शाह दरगाह हमने आपको यहाँ की जियारत कराई और यहाँ के कुछ लोगों से मिलाया भी, जो बहुत ही माशाल्लाह आज बहुत ही खुशी का दिन है और लोग बहुत खुश हैं क्योंकि आज मार्च महीने से जब से लॉकडाउन लगा था मस्जिद और दरगाह बंद थी, पूरे तरह बंद थी और आज 16 तारीख को 16 नवंबर को महाराष्ट्र के गाइडलाइन के तहत, महाराष्ट्र के शर्तों के तहत, महाराष्ट्र सरकार के शर्तों के तहत आज ये खोल दिया गया है, जिससे बहुत ही मुस्लिम समाज में खुशी का माहौल है। तो आप बने रहिए मोहम्मद मुकीम शेख के साथ, हम आपको इसी तरह दरगाह और मस्जिदों की जियारत करवाते रहेंगे। और आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके दोस्त अहबाब भी घर बैठे जियारत कर सके। अल्लाह हाफिज़।